हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलूज़ होम किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इन पकौड़ों को हम बनाने वाले हैं कच्चे चावल और आलू से। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर एकदम ही सॉफ्ट होंगे। तो सुबह शाम की चाय के साथ आप इसको बना करके गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं और चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इन कुरकुरे कच्चे चावल के और आलू के पकौड़ों को बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप कच्चे चावलों को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसको मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बासमती राइस ही लें। और यहाँ पर मैंने एक बड़े आलू को इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है और वॉश करके रखा हुआ है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे चावल हम डाल देंगे। इसका पानी मैंने हटा दिया है, थोड़ा बहुत पानी 1-2 चम्मच इसमें रह गया है, तो बस उतना ही पानी हमें इसके लिए चाहिए। और आलू का भी पानी मैंने निकाल दिया है और आलू जो है वो भी इसी जार में डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और एकदम फाइन पेस्ट इसका बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसका इस तरह का हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए, तो पानी मैंने इसीलिए नहीं डाला था। अब इसको एक बोल में हम निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े और 3-4 हरी मिर्चों को बारीक काट करके डाला है। और 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने बारीक कटी धनिया पत्ती भी इसमें डाल दी है और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो इसमें बहुत ही कम मसाले पड़ेंगे और हम इसको 2-3 मिनट बढ़िया तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि हम इसमें किसी भी सोडा या हीनो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसको बढ़िया तरह से 2-3 मिनट फेंट लेना है ताकि इसमें एरेशन अच्छा हो जाए। अब हमने यहाँ पर तेल गर्म होने को रख दिया था, तो तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब इस तरह से थोड़ा सा बैटर को हाथों से फेंटते हुए हम छोटे छोटे पकौड़े इस तरह से हम इसमें डालेंगे। और आँच हमको इस समय मीडियम ही रखनी है और एक बार में जितने आसानी से पकौड़े आ सकें उतने ही हमको डालने हैं। अब थोड़ी देर पकौड़ों को इसी तरह से सिकने देना है। जब ये ऊपर तैरने लगें तब हमें इसको पलटना है और अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें इसको, जब तक इस पर एक बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है, हमको इसको चलाते हुए फ्राई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, पकौड़ों को हम इस तरह अच्छी तरह से चला करके फ्राई कर लेंगे और कितना अच्छा इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इस स्टेज पर हमारे ये कुरकुरे पकौड़े चावल के बन करके तैयार हो चुके हैं। इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और बाकी सारे पकौड़े भी हम निकाल लेते हैं। और ये हमारे कुरकुरे चावल आलू के पकौड़े बन चुके हैं। सेकेंड बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। आप हाथों की जगह चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के हम चम्मच से भी पकौड़े बना सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे कच्चे चावल और आलू के पकौड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं और स्वाद में भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। इनको मैंने 2 तरह की चटनी के साथ सर्व किया है और इसको गर्मा गर्म आप चाय के साथ इंजॉय करें। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंस्टा फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इंजॉय कीजिए ये कुरकुरे चावल के पकौड़े। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।